फिर दोस्तों, मैं हूँ आपका फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार सर पर। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है टाइम एंड वर्क का है और अथवा वाले क्वेश्चन भी कौन से है, अथवा या वाले क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए, 3 आदमी अथवा 6 महिलाएँ किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करती है, तो 6 आदमी तथा 8 महिलाएँ इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी। अब दोस्तों, अथवा का मतलब होता है दोस्तों या, ठीक है। अब या का मतलब दोस्तों, या तो 3 आदमी उस काम को करें या 6 महिलाएं उस काम को करें। 3 आदमी करेंगे तो भी 40 दिन लगेंगे, 6 महिलाएं करेगी तो भी 40 दिन लगेंगे, ठीक है। यानी कि जो 3 आदमी है ये किसके बराबर है, 6 महिलाओं के बराबर है, 6 महिलाओं के बराबर। 3 आदमी किसके बराबर काम करते हैं, 6 महिलाओं के बराबर काम करते हैं, ठीक है। अब अपने सामने प्रश्न है कि 6 आदमी और 8 महिलाएं, प्रश्न आपके सामने है कि 6 आदमी तथा 8 महिलाएं इस काम को कितने दिनों पूरा करेगी। तो दोस्तों, या तो आप महिलाओं में बदल लो या आदमी में बदल लो, दोनों किसी एक में इसको कन्वर्ट कर लें। तो देखिए, 3 आदमी बराबर 6 महिलाएं, सीधी सी बात है। तो यहाँ से 1 आदमी बराबर क्या होगा, 6/3, 3 से कट गया 2, तो 2 महिलाएं। यानी कि 1 आदमी बराबर कितनी होगी, 2 महिलाएं होगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, 1 आदमी बराबर 2 महिलाएं। तो अब अपने पास है 6 आदमी, तो 6 आदमी बराबर 1 की दुगनी है, तो 6 दुनी कितनी महिलाएं हो जाएगी, 12 महिलाएं हो जाएगी। तो यहाँ कितने लगा था अपन, 12 महिलाएं तथा 8 महिलाएं, ठीक है। तो ये 12 महिलाएं थी और 8 महिलाएं कितनी होगी, कुल मिला के 20 महिलाएं होगी। और महिलाएं किस काम को कितने दिन में करती, माना कि 1 दिन में पूरा करती है, कितने दिन में पूरा करती, 1 दिन में पूरा करती है, क्योंकि अपने पास 3 भी मालूम नहीं है। अब इसी तरह यहाँ पहले देखते हैं कि कितनी महिलाएं, 6 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेगी, 40 दिन। तो महिलाओं से अपन तुलना करेंगे, 6 × 40, तो दोस्तों इसकी गुणा वाली संख्या 20 है, जो 20 ही आ जाएगी, 2 × 7 = 14, 7 तो कट गया, 7 × 10। और देखिए, सॉरी 40, 20 × 40 = 2 और 6 × 12 12 दिन। तो 12 दिन सी ऑप्शन का राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बड़े अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 आदमी अथवा 6 लड़के 16 मीटर लंबी दीवार कितने दिन पूरा करते हैं, बनाते हैं, 10 दिन बना सकते हैं। तो 14 आदमी तथा 20 लड़के इस दीवार को, 600 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन बनाएंगे। तो अब दोस्तों, यहाँ से सीधा सीधा ये सब लग रहा है कि या अथवा का मतलब होता है या, यानी कि ये काम 7 आदमी से कराओ या 10 लड़के से कराओ, ठीक है। तो देखिए, 7 आदमी किसके बराबर है, 10 लड़के के बराबर है। 7 आदमी किसके बराबर काम करते हैं, 10 लड़के के बराबर काम करते हैं। अब आपके सामने प्रश्न है कि 14 आदमी और 20 लड़के, तो देखिए यहाँ आपके सामने प्रश्न है 14 आदमी तथा 20 लड़के, 14 आदमी तथा 20 लड़के। तो देखिए, 7 आदमी बराबर 10 लड़के, अब आज इसका दुगना हो रहा है, कितना हो रहा है, 14 आदमी हो गए, तो ये भी दुगना होगा, 14 आदमी बराबर 20 लड़के हो जाएंगे। कितने लड़के हो जाएंगे दोस्तों, 20 लड़के हो जाएंगे, 20 लड़के प्लस 20 लड़के, तो 20 × 20 कितने लड़के हो दोस्तों, 40 लड़के। अब 40 लड़के, और अब ये कितने दिन बनाएंगे, इसके बाद दिन अभी नहीं है, दिन की संख्या अपनों निकालनी है, तो माना कि 1 दिन बनाएंगे। तो यहाँ पे दिन इंटू 1 और दीवार कितनी लंबी है, 600 मीटर लंबी दीवार है, ठीक है। जो वर्क है वो नीचे लिखा जाएगा। इसी तरह यहाँ कितनी है, 10 लड़कों में कन्वर्ट कर लिया अपने, ये लड़के कितने हैं, 10 हैं, और इसका दिन कितना है, लड़के का दिन है दोस्तों 10 दिन, और दीवार कितनी है पे, 100 मीटर लंबी,
ठीक है, कोई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो अब यहाँ पे इस सिफर से सिफर कट गई, ठीक है, और यहाँ पे भी एक सिफर दो सिफर से दो सिफर कट गई, यहाँ तो एक बराबर आ गया, एक आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब चार से काटो, चार कम चार पंद्रह चौके साठ, तो ये ऊपर एक्स बराबर पंद्रह दिन, यानी कि एक्स बराबर पंद्रह दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन अपना राइट आंसर हो गया। आई होप कि क्वेश्चन बड़े अच्छे से आपको सुनने आ गया होगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।